अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैमन हसन और आप लोग सैमन हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर वन पर बात करेंगे पीसीबी का कनेक्शन कैंप जो लगा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड्स बुलाए हुए थे। पीसीबी ने, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब इसकी सदारत कर रहे थे। क्या रूट मैप डिसाइड हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, उसके हवाले से बात करेंगे। नंबर टू पर बात करेंगे मोहम्मद अब्बास बड़े होपफुल हैं कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में उनको पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिलेगा, उसके वजह से बात करेंगे। नंबर थ्री पर बात करेंगे भाई इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है वो इंग्लैंड के अंदर व्यूअरशिप के हवाले से डिक्लाइन का शिकार है, ये क्या अपडेट है, इसके वजह से बात करेंगे। और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने हरा दिया टेस्ट मैच में, उसके वजह से भी बात करेंगे। उससे पहले पहली बार दबाने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले बात करते हैं जी पीसीबी का कनेक्शन कैंप लगा हुआ था और उसके वजह से हमने पहले ही आपको बताया था कि बड़े बड़े लेजेंड्स को इसमें बुलाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइड बॉल के कोच गैरी क्रिस्टन इस मीटिंग में मौजूद थे, रेड बॉल के कोच जैसन गैलेक्सी इस मीटिंग में मौजूद थे, बाबर आजम, शाहिन शाबिदी, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साउद शकील, साइम अयूब और जो चैंपियंस कप में आपके मेंटोर हैं सरफराज अहमद, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिस्बाह उलहक तो खैर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वकार यूनस, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने नामा दिया हुआ था कि आइए हम जरा बातचीत करते हैं। इस कनेक्शन कैंप में जो मैसेजेस कन्वे किए गए गैरी क्रिस्टन की जानब से, वो ये कहा गया कि आपने ये नहीं देखना कि आपकी जो शर्ट है उस पर स्टैट्स वगैरह या आपने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे नहीं परफॉर्म करना, आपकी शर्ट के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेटर्स को उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया कि आपकी शर्ट के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है पाकिस्तान का, जो सितारा लगा हुआ है, आपने उसके ही क्रिकेट खेलना। फिर जैसन गैलेक्सी ने 1994 का हवाला दिया अपने इस मैसेज में, उन्होंने कहा कि 1994 में जब मैंने पाकिस्तान का दौरा किया तो बड़ा कुछ सीखने को मुझे मिला। फिर ये भी मैसेज कन्वे किया गया कि 1952 में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी और ये पाकिस्तान की मोस्ट वर्स्ट टेस्ट क्रिकेट का एरा चल रहा है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर रही, पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर लेकर जाया जाए उसके लिए बातचीत हुई है। उसके लिए पीसीबी के चेयरमैन साहब ने भी ये कहा है कि भाई आपको पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट की ये परफॉर्मेंस दिखाई होंगी होगी, हम आपको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी देंगे, दे भी दें, और कुछ तो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो जिनके बारे में क्रिकेटर्स को भी नहीं मालूम, तो ये बहुत बड़ी बात है पीसीबी के चेयरमैन साहब की। गैरी क्रिस्टन ने जो इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे किया है, उन्होंने ये कहा है कि आपको पाकिस्तान के स्टार के लिए खेलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और ये गैरी क्रिस्टन ने उससे पहले भी जब यूएसए में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से हारी थी, फिर यूएसए से हारी थी, तब भी गैरी क्रिस्टन ने ये मैसेज जो है वो कन्वे किया था आपके क्रिकेटर्स को। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है आपने सारे हवाले दे दिए और इन क्रिकेटर्स को आपने मैसेज कन्वे कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, कप्तान शान मसूद या कप्तान बाबर आजम, गैलेक्सी और गैरी क्रिस्टन, इनको ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपको यूनिटी कैसे लानी, क्योंकि क्रिकेट गेम कॉन्फिडेंस का है, क्रिकेट गेम टीम यूनिटी का है। क्रिकेट में अगर आपकी यूनिटी टीम की अच्छी होगी तो आपकी 11 लड़के या 15 लड़के या 20-25 का जो बॉल है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान में आए दूसरे दिन कोई ना कोई टसल चल रही होती है, किसी प्लेयर का दूसरे प्लेयर से कोई ना कोई मुकाबला चल रहा होता है, बाबर जो है वो शाहीन के अगेंस्ट चल रहा जाता है, शाहीन बाबर के अगेंस्ट चल रहा जाता है, रिजवान बाबर के अगेंस्ट चल रहा जाता है, बाबर रिजवान के अगेंस्ट चल रहा जाता है। ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में ख़त्म होगी तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी। और जो लीग क्रिकेट है, इंपॉर्टेंट बात यह कि लीग क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनको NOCs इनके रोकने होंगे ताकि ये नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दें। जितना आपके क्रिकेटर लीग क्रिकेट के पीछे जाएंगे, फ्रेंचाइज क्रिकेट के पीछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पैसा ही बेतहाशा है। आपके क्रिकेटर इस वक्त महाना सैलरी जो है ए कैटेगरी के वो 60 लाख रुपए ले रहे हैं। अब आप खुद बताएं एक क्रिकेटर है जो 60 लाख रुपए महाना पाकिस्तान लीग में ले रहा है, उसको पैसे की कमी है, फिर स्पॉन्सर अलग है, मैच फीस अलग है, हर चीज़ आपको, आप खेल भी नहीं रहे तो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें यूनिटी कैसे लाई जाए, यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, सीनियर और यंगस्टर्स की मिला के टीम बनाई जाए। टोटली आप यंगस्टर्स पे भी बिलीव नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहता कि आप टोटली यंगस्टर्स की टीम बना दें, सीनियर जूनियर की मिक्स टीम बनाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं जी मोहम्मद अब्बास के हवाले से, जो कि भाई होपफुल हैं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में उनको चांस मिलेगा। अब्बास ने कहा कि जी मैं पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलर हूँ जिसने टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लिए। उन्होंने एडमिट किया कि मेरी पेस जो है वो 140 नहीं है, ना ही मैं ग्रैंड मैग्रा हूँ और ना ही मैं मोहम्मद आसिफ हूँ। उन्होंने इन दोनों का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि इन दोनों की पेस भी इतनी नहीं थी लेकिन लाइन ऑफ लेंथ अच्छी थी, कंट्रोल था और अच्छे एरियाज में बॉल डिलीवर करते थे जिस वजह से उनको विकेट्स और सक्सेस मिलती थी, कामयाबी मिलती थी। लेकिन मोहम्मद अब्बास के साथ आई डोंट नो क्यों इतनी ज़्यादती की गई कि उनको एक टेस्ट सीरीज उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गई और खुद आपने ज़बरदस्ती उनको खिलाया और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान और यूएई के अंदर वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं, एशियन कंडीशन के अंदर मैं समझता हूँ वो अच्छा कर सकते हैं, जैसे आपका श्रीलंका हो गया या आपका बांग्लादेश, इस टाइम के जो आपके अवे टूबर्स हैं एशिया के अंदर वहाँ पर वो अच्छा कर सकते हैं। तो होपफुली कि अब्बास को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में चांस मिलेगा। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं जी इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के हवाले से। और भाई इंग्लैंड में भी अब कोई टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की देखने को तैयार नहीं है। $1,00,000 की बिड सुनने में आया है, 3.25 करोड़ रुपए की बिड पीसीबी करने जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड में किसी ने खास भी नहीं डाला पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को। अब जो ब्रिटिश व्यूअर्स हैं वो भी देखने को तैयार नहीं है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि जी टाइम जोन डिफरेंट है, यहाँ पे 10 बजे स्टार्ट होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और वहाँ सुबह 6 बजे। भाई जिसने क्रिकेट देखनी हो ना उसको टाइम की कोई टेंशन नहीं होती। अब हमने क्रिकेट देखनी होती है रात के 2 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, जो भी टाइम हो, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या और दुनिया का टाइम हो, मैं मैच देखता हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है। मेरा क्रिकेट मेरे फ़ोन में बसता है, क्रिकेट मेरी रग में बसता है, इसीलिए हमने क्योंकि बात भी क्रिकेट पे करनी होती है, तो इसलिए ये कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है कि भाई टाइम जोन डिपेंड है। बात यह है सिर्फ कि पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार है, व्यूअरशिप भी डिक्लाइन का शिकार है। पाकिस्तानी फैंस हैं वो पाकिस्तान टीम से नाराज़ हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही अपनी टीम को और अपने फैंस को मना सकते हैं। इसके बाद फाइनल अपडेट पे चलते हैं जी, और श्रीलंका न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच खेला गया। श्रीलंकन टीम ने पहले तो इंग्लैंड को हराया इंग्लैंड के अंदर और उसके बाद जनाब न्यूजीलैंड के फट्टे चुक दिए थे, न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड पे श्रीलंका ने हरा दिया। कमाल परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं श्रीलंकन टीम ने और 63 रन से ये टेस्ट मैच जीत लिया। श्रीलंकन टीम भी अच्छा कर रही है, बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा कर गई, इंडियन टीम बांग्लादेश को हरा रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम को अल्लाह ही बचाए। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। मैं उससे मदद में इजाज़त नहीं आता।